YouTube पर सनराइज एकेडमी सर्च कीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिकेट बिट्स YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो सेकेंड वनडे इंटरनेशनल महाराष्ट्र के MCA मद्रास क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से पुणे में खेला जा रहा है उसके बारे में। तो उसके बारे में हम बात करें तो टीम इंडिया आज श्रेणी अपने कब्जे में करने के इरादे से पक्का उतरने वाली है, और सामने तरफ से देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम भी कुछ ऐसा ही करेगी, क्योंकि वो आज का मैच जीतकर जो भी श्रृंखला है उसे एक एक के बराबरी करना चाहेगी। अगर भारत को ये मैच जीतना है तो उसे टीम में बहुत बड़े बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वनडे इंटरनेशनल में हम देखें तो भारत के दो दिग्गज खिलाड़ी इंजर्ड हो गए थे, जिसमें पहले तो भारतीय सलामी बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा, जिन्हें कोने में बॉल लगा था मार्क वुड की गेंद पर, उन्होंने बैटिंग कर रहे थे और गेंद लग गई थी और लगा था कि फ्रैक्चर हुआ होगा, लेकिन अब BCCI का बड़ा बयान सामने आया कि वो खेल सकते हैं और दूसरे वनडे में हम शिखर धवन के साथ उसे सलामी बल्लेबाजी करते हुए देख पाएंगे। दूसरी बात यह है कि श्रेयस अय्यर को फील्डिंग में चोट लग गई थी और उसे शुरू ही मैच में ट्रीटमेंट के लिए वापस जाना पड़ा था, और उस वक्त हम देखें तो श्रेयस अय्यर कुछ ज़्यादा ही चोटिल हो गए थे, इसलिए वो बाकी के दोनों मैच गवा देंगे, बाकी के दोनों मैच नहीं खेल पाएंगे। तो विराट कोहली को उसके बारे में देखा जाए तो विराट कोहली ने वो जो मिडिल ऑर्डर के बहुत ही बढ़िया प्लेयर थे, उसे चोटिल होने की वजह से अब उसकी जगह पर सूर्य कुमार यादव को खेलने के लिए बुलाएंगे, और आज दूसरे वनडे इंटरनेशनल में सूर्य कुमार यादव को कैप मिल सकती है। एक और भी जगह है जहां पर शुभमन गिल को खिलाया जा सकता है, लेकिन शुभमन गिल पहली ओवर के बैट्समैन है, सूर्य कुमार यादव मिडिल ऑर्डर है, तो फिर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव को ही आज कैप मिल सकती है। और एक बात करें तो इंग्लैंड की टीम को भी एक बड़ा जोर का झटका लगा है, जिसमें कप्तान ओयन मॉर्गन भी चोटिल हुए हैं पहले वनडे इंटरनेशनल में, और वो अब दूसरा वनडे इंटरनेशनल नहीं खेल पाएंगे, तीसरा वनडे इंटरनेशनल भी शायद ना खेल पाए, और उसकी जगह पर दूसरा और तीसरा दोनों वनडे इंटरनेशनल में विकेट कीपर बल्लेबाज जॉस बटलर चूँकि कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। उसमें हम देखें तो दूसरे और तीसरे वनडे इंटरनेशनल में ओयन मॉर्गन की जगह पर बहुत ही 2020 और वनडे में खूंखार प्लेयर है सैम बैलेंस, उसे आमंत्रित किया गया है और उसे अब खेलते हुए हम देख पाएंगे। भारत की टीम की बात हम करें तो भारत की टीम के प्लेइंग 11 की हम बात करें तो आज के दिन में सेकेंड वनडे इंटरनेशनल में ओपनिंग में रोहित शर्मा और शिखर धवन आएंगे, उसके बाद तीसरे क्रम पर विराट कोहली रहेंगे, चौथे क्रम पर ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव, दोनों में से किसे बुलाया जाए वो पता नहीं, तो भी आएगा वो चौथे क्रम पर आएगा, पाँचवें क्रम पर KL राहुल, छठे क्रम में ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव, जो भी बचेगा वो छठे क्रम पर आएगा, सातवें क्रम पर शार्दुल ठाकुर, आठवें क्रम पर कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, और सबसे आखिर में भुवनेश्वर कुमार और यजुवेंद्र चहल दोनों खेलते हुए नजर आएंगे। बॉलिंग व्यू की हम बात करें तो बॉलिंग व्यू में शार्दुल ठाकुर को ऐसे ही खिलाएंगे, उसके बाद कुणाल पांड्या है, भुवनेश्वर कुमार है और युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा को फिर भी पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन की वजह से उसे रखा जाएगा और आगे की मैच दोनों उसके पास खेलने के लिए आमंत्रित करेंगे। तो ये बॉलिंग था। बैट्समैन की हम बात करें तो बैट्समैन में रोहित शर्मा, शिखर धवन, KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, ये सब बैटिंग की लाइन में ऐसे ही फिट रहेंगे। तो आज के मैच में हम बात करें तो रोहित शर्मा, जिसे BCCI ने बोला है कि बहुत ही ज़्यादा चोट नहीं लगी है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है, तो रोहित शर्मा आज की मैच खेल सकते हैं और आगे का तीसरा वनडे इंटरनेशनल भी खेल पाएंगे। अगर आज के दिन में उसे ज़्यादा चोट ना लगी तो वो तीसरा वनडे भी खेल पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, धुआंधार पारी खेलने वाले 98 रन की शिखर धवन आज के दिन में क्या कर दे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए।